लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पेश होने के एक दिन बाद बसपा मुखिया मायावती ने बीजेपी की मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को समर्थन देने का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके तत्काल न लागू होने के प्रावधान पर आपत्ति जताई है। संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं, जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। माया ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा है कि आने वाले 15-16 सालों तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो सकेगा। ऐसे में इससे बीजेपी सरकार की मंशा का पता चलता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनावों को देखते हुए भोली भाली महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नियत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर वे उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नियत से ही लाया गया है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। मायावती ने बीजेपी सरकार पर नियत न साफ रखने के भी आरोप लगाए। दरअसल मायावती ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनका मानना है कि आरक्षण लागू होने में कई साल लग जाएंगे और बीजेपी की महिलाओं को आरक्षण देने की नियत साफ नहीं है, बल्कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करना चाहती है। गौरतलब है कि मंगलवार को जब महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हुआ तो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका पूरे दिल से स्वागत किया था, साथ ही दलितों और पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण की मांग की थी, लेकिन बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं न सिर्फ मायावती बल्कि विपक्षी गठबंधन के कई नेता इसके लागू होने के समय पर सवाल उठा चुके हैं। इनको विमेन्स एम्पावरमेंट का या महिला सशक्तिकरण की याद 2023 में क्यों आई, 2014 में क्यों नहीं? अगर 2014 में पास करते तो आज तक महिलाओं को आरक्षण मिल लिया होता। अब इनको मालूम है कि भाई 2024 में चुनाव आने वाले हैं, तो इन्होंने 2023 में इनको याद आया कि महिला सुरक्षण भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें पास करना चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको राजनीतिक फायदा हो 2024 में और महिलाओं को बता सके देखिए हमने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।